यार इसको तो कोई पकड़े भी नहीं है, डर लग रहा है। आप लोगों को मैं घोड़े के रेट भी बता देता हूँ, मौका मिले जरूर आना यहाँ पे। वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर भी कहते हैं इसे, केदारनाथ मंदिर से इसका व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट है। हर हर महादेव। सो भाई टाइम हो रहा है 2:50, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सारे लोग बैग पैक कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर की जहाँ पे बुकिंग होती है वहाँ पर, पता करने के लिए कि एक बार ऑफलाइन मिल जाएगी या नहीं। बाकी कल दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए थे। निकलने के बाद कल आ गए थे ऊपर गौरीकुंड पे, वहाँ पे नाइट स्टे किया और नाइट स्टे करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे दोपहर तक यहाँ पे। ग्रुप ठीक ठाक बड़ा है तो इसकी वजह से क्या टाइम लग ही जाता है, कभी किसी को कुछ कभी किसी को कुछ काम रहता ही है। यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग चोपटा के लिए। प्लान पहले था हमारा माना और बद्रीनाथ का, बट इशू ये है कि कल ही कपाट खुलेंगे बद्रीनाथ जी के और उसके बाद अगर हम दर्शन करके जो आज जो केदारनाथ जी में कंडीशन रही है उस हिसाब से अगर वहाँ भीड़ रही तो फिर हम कल दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे और मंडे को है ऑफिस, तो इसकी वजह से हमने सोचा है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन कभी और करेंगे। चोपटा जाएंगे आज और वहाँ पे तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे। ये जगह बहुत अच्छी है, एक बार मैं ये पता कर लूँ कि ऑफलाइन बुकिंग यहाँ पे हो रही है या नहीं हेलीकॉप्टर की, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग तो नहीं मिल रही है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो रखी है, सारे होटल्स वगैरह सब कुछ फुल हो चुके हैं, इतना ज़्यादा इस बार क्राउड आया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इतना तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि 2 साल से केदारनाथ जी की यात्रा हो नहीं रही थी, इसकी वजह से भी कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा आए, बट पहले ऐसे इतने कभी नहीं आते थे। यहाँ से कीमत तक हमें सेम रूट से जाना जिससे आए थे, फिर वहाँ से उकीमत से थोड़ा डिफरेंट रूट है चोपटा के लिए। अगर आप गुप्तकाशी में आते हैं तो इस तरह के टेंट वगैरह भी मिल जाएंगे और होटल्स वगैरह तो हैं ही, छोटे छोटे ऐसे कॉटेज, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे है अरेंजमेंट। और उसके आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, सीतापुर में मिल जाएगा, गौरीकुंड मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। भाई इधर गुप्तकाशी में इसका ऑफिस भी है आर्यन एविएशन, यहाँ पे पता करते हैं। हेलीकॉप्टर का पता करना था बुकिंग के लिए, कहाँ से होती है? गढ़वाल मंडल विकास निगम का ऑफिस है 2 किलोमीटर पीछे। गुप्तकाशी से 2 किलोमीटर पहले भी एक ऑफिस है, फिर फाटा से 2 किलोमीटर पहले भी एक ऑफिस है जहाँ से आपकी ऑफलाइन बुकिंग होती है, और नहीं तो ऑनलाइन बुकिंग करानी है। बट क्या है कि इस समय ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है, तो जब ऑनलाइन बुकिंग फुल है तो ऑफलाइन के लिए आपको थोड़ा बहुत हो सकता है आपको इजीली मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। अब हम निकलते हैं यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और भाई यहाँ का वेदर, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है। व्यू देखो, एक तरफ हिल्स दूसरी तरफ वैली। फिलहाल हम लोग केदारनाथ वैली से निकल चुके हैं और यहाँ से ऋषिकेश है 178 किलोमीटर। थैंक यू भोले बाबा हमें बुलाने के लिए, दर्शन देने के लिए। कितना? 700। फाइनली यहाँ पे पेट्रोल डला लिया है। ये कुंड पड़ता है गुप्तकाशी से थोड़ा सा पहले और मेरे ख्याल से ये हमारी ट्रिप की थर्ड फिलिंग थी। टाइम हो रहा 3:46। अब निकलते हैं यहाँ से चोपटा के लिए। यहाँ पे ये देखो मंदाकिनी पे एक छोटा सा डैम बना रखा है, उसकी वजह से देखो कितना पानी स्टोरेज किया हुआ। ये आगे डैम है, पूरा का पूरा ग्रीन वाटर लग रहा है। ठंड भी लग रही है, समझ में नहीं आता, जैसे ही हम लोग चले थे तो गर्मी लग रही थी फिर ठंड। तो हम लोग आए इधर से और ये है उखीमत, यहाँ से इधर ये जाता है चोपटा के लिए ओंकारेश्वर टेम्पल, 8 किलोमीटर यहाँ से है। उस टी पॉइंट से दूसरा रूट जाता है वो ऋषिकेश के लिए, यहाँ से अप्रोक्स 175 किलोमीटर बचा हुआ ऋषिकेश। कहाँ रह गया? यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ये पूरा व्यू देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ले लेते हैं ना एक फोटो, तो जरूर खिंचाते हैं। हाँ, वही तुंगनाथ टेम्पल है आपको चोपटा मिलेगा, चोपटा हुआ है। हाँ कौन सा चोपटा? जहाँ पर पेड़ नहीं है ना। हाँ हाँ वो उधर, ठीक है वो चोपटा है। और वहाँ से पैदल जाना है 3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर पैदल है, ठीक है। कितना पड़ेगा? 20 किलोमीटर है भाई। दिखा दिया यहाँ से वो ऊंची वाली पहाड़ी है, वहाँ पे जाना हमें, वो मंदिर है और उससे पहले ही 3 किलोमीटर पहले चोपटा है, तो वहाँ चोपटा से ट्रैकिंग करनी है। बट यार व्यू बहुत अच्छे अच्छे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अरे 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 बट सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अब क्या है धीरे धीरे हमको ठंड लगने लगी है। अभी टाइम हो रहा है 4:29 भाई। अभी तक हम लोग जब भी उत्तराखंड आते थे मैं अक्सर आपसे कहता था पहाड़ियाँ देखो कितने कम ट्रीज हैं, बट ये वाले ट्रीज देखो यहाँ पे पूरा घना जंगल है, ये चोपटा का घना जंगल है। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर ना आज भी पैंथर वगैरह मिल जाते हैं, जो जंगली जानवर भालू वगैरह थे वो आज भी इन सब जगह पे मिलते हैं, क्योंकि जो मेन जंगल है वो बहुत कम जगह बचे हुए हैं और उसमें ये चोपटा भी है।
कल जब मैं मंदिर पे था तो वहाँ पे भी हमें एक लोग मिले थे, और जिस घोड़े से मैं आ रहा था वो घोड़े वाला जो वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, वो भी बता रहे थे कि जो चोपटा वाला एरिया है वहाँ पर पैंथर इस तरह के जानवर अभी भी मिलते हैं। भाई अभी चोपटा जो मेन चोपटा है वो 4 किलोमीटर बचा हुआ, और ये सारा एरिया देखो यहाँ कैंपिंग एम्पिंग के लिए बना हुआ है। हमने कई बार सोशल मीडिया पर इस तरह की फोटो देखी कि ये जो एरिया होता है ये चोपटा का जो फेमस पीछे पॉइंट था कैंपिंग का, सारा स्नोफॉल से कवर्ड हो जाता है। और जब से हम इस रूट पे चल रहे हैं ना कंटिन्यू मतलब इसी तरह का डार्क फॉरेस्ट मिल रहा, अच्छी खासी ठंड लग रही है हम लोगों को। फाइनली हम लोग आ गए चोपटा में। चोपटा वैसे फेमस है तुंगनाथ टेम्पल के लिए ही और अपनी स्नोफॉल के लिए, यहाँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। अब बस ऊपर चढ़ रहे हैं, जय भोले बाबा। ये है मंदिर, हम लोग ने यहाँ से चढ़ाई कर दी है और काफी लोग वापस आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग के पास टाइम कम है, टाइम हो रहा है 5:50 और शायद 6:30-7 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। एग्जैक्ट तो टाइम ऊपर चल के ही बताऊंगा, बट इसीलिए हमने घोड़ा कर लिया कि जिससे हो लिया आपके सामने। ओ भाई कैसे करोगे आप? नहीं अभी नहीं बंद हुआ होगा यार, कोई भी मंदिर ऐसे जब सनलाइट होती है ना तब नहीं गेट बंद होते हैं, हमेशा अंधेरे होने के बाद ही बंद होते हैं मंदिर। तो भैया बता रहे घोड़े वाले कि जो भोग लगता है उस समय बंद होता है, तो उसके लिए हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए बंद हो। ये ट्रैक 3.5 किलोमीटर का है और इस एरिया में कंप्लीट स्नोफॉल हो जाता है, मतलब जैसे केदारनाथ बंद रहता वैसे ये एरिया भी बंद रहता है। यहाँ पे भी काफी हाइट तक रहती है स्नोफॉल। और ये देखो सामने क्या व्यू आ रहा है, कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत अच्छा ऐसा व्यू, जबरदस्त मजा आ गया। जो लोग स्नोफॉल में यहाँ पे आते होंगे वो तो अलग ही व्यू देखते होंगे। अगर कभी भी चोपटा आने का प्लान हो तो हमेशा मॉर्निंग में प्लान करें, मॉर्निंग में आए ट्रैक करें, हाँ पूरा दिन दें, और ये जो एरिया है ना इन सबको एंजॉय करें, यहाँ पे फोटोज क्लिक कराए। बाइक की इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं। माय गॉड, तेरे पिछली बार भी जैकेट उतारी तूने, फिर पता नहीं कहाँ मैंने चला गया, उससे कुछ और भी ले ले भाई। तो भाई हम लोग यहाँ पे आ गए थे, घोड़े वहाँ खड़े कर दिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि घोड़े हमारे थक गए थे और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, घोड़े ही थकेंगे बस। कैसा लगा यहाँ के व्यू भाई? बहुत औसम नजारा है। जिंदगी में अगर कभी पार्टनर के साथ आओ तो चौपटा का ये तुम्हारा, ये पार्टनर ही तो है, ये तो चूतिया है। यार इसको तो कोई पकड़े भी नहीं है, डर लग रहा है। अरे दोस्त इसको पकड़ो यार कोई, अरे कहीं नहीं जाएगा ये, देखो बिना पकड़े चला जा रहा ऊपर। कितना ट्रेंड है भैया, हो गए दर्शन? कितनी दूर है अभी? सही बताऊं तो 1.5 किलोमीटर अभी और है। ये जो लोग जा रहे हैं ऐसे ऊपर करके, वहाँ ऊपर जाना हमें, बट वहाँ पहुँचने से पहले ये जो व्यू है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। यार शिवा भाई पैदल चलने का भी अलग मजा है इस जगह पे, इंजॉय करते हुए। हाँ शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम लोग स्टक हो गए। आप लोगों को मैं घोड़े के रेट भी बता देता हूँ, तो वन साइड का जो हम पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 700 रुपीज़, और अगर बोथ साइड का अगर करते हैं तो वो पड़ेगा 1100 रुपीज़ का। इस सामने वो रहा तुंगनाथ मंदिर, अभी ऊपर चलते हैं, बट फिलहाल मैंने आपको फर्स्ट व्यू दिखा दिया, बट फर्स्ट व्यू के साथ में ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर ये है, सांस फूल गए हैं। मौका मिले जरूर आना यहाँ पे, बहुत प्यारी लोकेशन। और यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ ऊपर तुंगनाथ टेम्पल को आज स्टे करने का भी मिलेगा, ब्यूटीफुल सनसेट टेम्पल तुंगनाथ, और यहाँ से चंदशिला के लिए हर हर महादेव। भाई दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, सारे मंदिरों में जाके देखे, ये भगवान जी का मंदिर शिव जी का, उसके बाद माता पार्वती जी का, पांचों पांडव का, काल भैरव जी का, बहुत अच्छा व्यू। दर्शन करने के बाद अगर मैं आपको इधर की तरफ दिखाऊं, ये शिव मंदिर दुनिया में सबसे हाइट पे सिचुएटेड शिव मंदिर है, वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर भी कहते हैं इसे। केदारनाथ मंदिर से इसका व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट है, वहाँ क्या था एक वैली थी जिसके अंदर अंदर से हम लोग गए थे, और यहाँ पे कम्प्लीट ये पूरा डाउन में है, उसके बाद हम लोग ऊपर हाइट पे हैं, और विद इन 3 किलोमीटर काफ़ी इंक्लाइंड हाइट थी, तो यहाँ की ट्रैकिंग थोड़ी सी टफ है, बट अगर आप मॉर्निंग में आएंगे शाम तक इसको कवर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब थोड़ी सी फोटोज क्लिक कराते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। पारनाव ने बनाया जो उनका एक पार्ट वहाँ केदारनाथ जी में है, पृष्ठ भाग है, मध्यमेश्वर नाभि भाग है, केदार तुंगनाथ, यहाँ पे हृदय और भुजा, हृदय और भुजा, चौथा रुद्रनाथ में ललाट और पांचवा कल्पेश्वर में जटा जटा। भाई टाइम हो रहा है 7:15 और अभी हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं शिव जी का, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर कहते हैं इसको। और यार यहाँ से ना यहाँ पे हम लोग ने दर्शन किए, उसके बाद सामने पूरी ये हिमालयन रेंज आपको नजर आ रही है, पूरा हिमालय पर्वत है। इस वीडियो को एंड करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती, तो सारे भाई लोग मेरे साथ हैं। और जी। तो कैसा लगा भाई लोग? बहुत औसम, बहुत औसम,
बहुत पॉजिटिव वाइब सारी यहाँ आने के बाद ना, नो डाउट हम लोग जैसे मैंने अभी बताया कि केदारनाथ जी में गए तो एक वैली थी दोनों तरफ से और उसके अंदर से हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे अलग डिफरेंट फीलिंग थी, फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। अंदर जो हमने पूजा करी या बाहर, वहाँ पे एनवायरमेंट एकदम डिफरेंट था, बट यहाँ पे आने के बाद ना एकदम डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, माउंटेन्स से कवर्ड नहीं था, है ना, हम लोग एकदम ओपन स्पेस में थे। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ की स्मेल, यहाँ की खुशबू भी एकदम डिफरेंट, मतलब हम लोग कुछ भी बातें करते हुए आ रहे थे, यहाँ आने के बाद ना माइंड ही एकदम चेंज हो गया हम लोग का। हर हर महादेव। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी बताएं, नहीं लगा तो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।